रिटायरमेंट एंड सूचना की प्रक्रिया क्यों सर? हाँ आप एकदम सामने आगे बढ़ते हैं, एकदम आप सामने आ रहे हैं। बस मैं तो डाल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आज एक हमारे लिए अच्छा दिन है कि हमारे एक धीरेंद्र जी रिटायर भी हो रहे हैं, सामने हैं, और नए प्राचार्य रामनारायण जी, डॉक्टर रामनारायण जी बैठ रहे हैं और सभी शिक्षक सहयोग कर रहे हैं। तो अच्छा दिन है, तो अच्छे अनुभव हैं और संतुष्टि भी मिल रही है। तो सभी गांव घर के भी टीचर भी पास में हैं। तो सर अच्छा क्यों आपको नहीं अच्छा लग रहा आज का दिन? बहुत अच्छा लग रहा है। तो रिटायरमेंट बुरी चीज़ नहीं होती, शिक्षक रिटायर कहाँ होता है? यस बहुत है। क्या बोला सर आपने फिर से एक बार रिटायर करिए बोलिएगा सर? शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। ये सोचने वाली बात है, काश सब लोग ऐसा सोचते। खैर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके नए जनरेशन का, हम लोग तो पुरानी पीढ़ी हो चुके हैं और ये सामने बैठी पुरानी पीढ़ी है। तो मैं पुनः इन लोग का सादर धन्यवाद करते हुए दीपक सिंह आर्य।